अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जमात सातवीं की किताब हमारी है बारिस्तानी उर्दू, जो आज हमारा टॉपिक है श्री रामचंद्र जी के बारे में हम जानेंगे। वो कौन थे? रामचंद्र जी हिंदू के अवतार हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ उनके बाप का नाम है, उनके ही बेटे थे। राजा दशरथ की तीन रानियाँ थी, इसकी तीन रानियाँ हो गया, बीवियाँ उसकी रानियाँ थी। बड़ी रानी का नाम था कौशिला, दूसरी रानी का नाम था काकी और तीसरी का था सुमित्रा। इन रानियों से चार बेटे हुए, चार बेटे इन तीन रानियों से हुए। तो राजा श्री रामचंद्र जी जो थे, ये बड़ी रानी से थे, कौशिल्या से। और इनके तीन भाई, चार भाइयों के नाम ये हैं, श्री रामचंद्र जी भरत थे, दूसरे लक्ष्मण थे और शत्रुघ्न थे। राजा रामचंद्र जी जो थे, ये बड़ी रानी कौशिल्या के बतन से थे, ये इनकी माँ थी कौशिल्या, बड़ी रानी। भरत जो थे, ये ककई से थे। और जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये थे, ये दो भाई एक ही माँ से थे, तीसरी रानी से सुमित्रा से थे, पैदा हुए थे। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। रामचंद्र जी इन चार भाइयों में बड़े भाई थे रामचंद्र जी। ये बहुत ही नेक और बहादुर और अकलमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा ही हुआ करता था। राजा चाहता था कि मेरे बाद रामचंद्र जी ही मेरे तख्त पर, मेरे बाद अपना राजपाठ रामचंद्र जी को ही सौंपूं। मगर जो कौकिलिया थी, जो उसकी दूसरी माँ थी ककई, रामचंद्र जी की दूसरी माँ, सौतेली माँ जो थी, रानी थी, वो चाहती थी कि नहीं, भरत ही इसके बाद तख्त पर बैठे, उसका वारिस बने। एक बार उसने राजा दशरथ को बचाया था कहीं, एक बार उसकी जान बचाई थी, उसके बदले राजा ने उसकी एक मांग पूरी करने का वादा किया था ककई की, जो उसकी तीसरी रानी थी। तो इसको, इस मौके को वो गनीमत जाना और मांग की कि राजा रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए। वनवास हो गया, घर छोड़कर जलाए वतन करना, जंगल में जाना, उसको वनवास बोलते हैं। तो इसने क्या काम किया, इसने ये मांग की कि इसको जंगल छोड़ दो, वनवास का हुक्म दे। ककिया चाहती थी कि रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म दिया जाए, इसको वनवास भेजा जाए और इसकी जगह भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूंकि वादे के बड़े पक्के थे, इसलिए इन्हें ककई की ये जिद पूरी करनी पड़ी, क्योंकि वादा किया था उसने, एक मांग में पूरी करूंगा। तो उसने, राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दे दिया। तो आज हमारा ये सबक था, इसके आगे हम जानेंगे कि वो फिर 14 बरस के लिए वनवास, उसको हुक्म दिया गया, वो उसको भेज दिया गया वनवास, तो भरत को बिठाया राजगद्दी पर। इसके आगे हम जानेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए इतना काफ़ी आप।